राहुल गांधी जो है वो चूजे, जो चोर है वो बंद होने होने हैं। केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल की सरकार में देख लो सारे अंदर जा रहे, केजरीवाल भी बहुत जल्दी जाएगा। वहाँ जुटने के बाद कहे मैं पीएम बनूंगा तो वो कहे मैं बनूंगा। उनके पास किसी तरह के माइंड ही नहीं, राहुल गांधी जी उनका तो कोई व्योत ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं बन पाएंगे। वो कांग्रेस का रोल खत्म हो चुका है। नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं वार्ता 24 न्यूज़। जिस प्रकार आगे आने वाले 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, उसके अंदर जनता की क्या प्रक्रिया है और किस प्रकार से जो कांग्रेस शासित क्षेत्र हैं उनके अंदर जो ईडी की प्रक्रिया चल रही है और विपक्ष बोल रहा है कि ये सिर्फ मोदी सरकार उन्हीं राज्यों में करवा रही है जिनके अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो इसके ऊपर जनता की क्या प्रक्रिया है, आज हम ये जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ईडी की जो प्रक्रिया है, ईडी की जो कार्रवाई है वो उन्हीं राज्यों के अंदर हो रही है जहां पे कांग्रेस की सरकार है या किसी और पार्टी की सरकार है, तो ये ईडी अपने आप ही काम कर रहा है या ये मोदी सरकार के कहने पे काम चल रहे हैं? नहीं, सरकार तो आती जाती रहती है, सरकारी संस्था है, ये तो चलती है, संस्था चलती है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का आरोप है कि ईडी वहीं पर ही सारी कार्रवाई कर रहा है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जहां आग लगेगी धुआं वहीं उठेगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जहां पर कांड हुआ है, गड़बड़ हुई है, भ्रष्टाचार है, वहीं पर ही जो है आग लगी है? बिल्कुल। अच्छा, आपकी क्या प्रक्रिया है इस बारे में? देखो जी, इसके अंदर कोई पार्टी वाली बात तो है नहीं कि बीजेपी करवा रही है। जो चोर है वो बंद होने होने हैं। केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल की सरकार में देख लो सारे अंदर जा रहे, केजरीवाल भी बहुत जल्दी जाएगा और जितने भी है सब जाएंगे अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर बीजेपी की सरकार है और हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए, आगे भी बीजेपी सरकार आएगी। 2024 के अंदर आपको क्या लगता है, जैसे राहुल जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, भारत जोड़ो यात्रा करी थी, सारा कुछ इतना बड़े लेवल पे उन्होंने आयोजित किया प्रोग्राम, और कर्नाटक के अंदर कहीं ना कहीं ये देखा भी गया है कि इलेक्शनों के अंदर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा, तो 2024 के अंदर या जो अभी जो करंट चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों के अंदर, इनके अंदर कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? कांग्रेस का रोल तो सबको पता है, वैसे आपने माइक पकड़ रखा है आपको ही पता है कांग्रेस का रोल खत्म हो चुका है। और ये मोहब्बत की दुकान जो कह रहे हो, ये इतने सालों से गाती जब इनकी सरकार थी, इतने घोटाले किए हुए, युवा दुबकते फिर रहे हैं, सब कुछ डर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, इन्होंने पार्टी के गठबंधन कर रखा है, इंडियन बना रखा है, इंडिया वर्सेस इंडिया। तो उसके अंदर आप बताओ ना, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? है कोई मोदी के आगे लड़ने वाला? राहुल गांधी जी नहीं है, राहुल गांधी जी उनका तो कोई व्योत ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं बन पाएंगे। वो मोदी के आगे किसी का भी कुछ नहीं है। इस प्रकार से तो जो इंडिया गठबंधन जो बना है उसके अंदर अखिलेश यादव जी भी अपनी वो रख रहे थे कि अगर बनूंगा तो प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, तो आपको क्या लगता है? आपस में जूत बचेंगे जी। अच्छा, आपस में जूत बचेंगे, देख लेना, प्रधानमंत्री बनने गए वो कुछ नहीं बन पाएंगे, कोई फायदा नहीं है उनका, इनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी और मोदी जी अच्छी वोटों से जीतेंगे, उनको हराने वाला भी कोई फायदा नहीं हुआ। 2024 के अंदर दोबारा मोदी जी आएंगे, अभी देखेंगे यार, आगे हम योगी जी को चाहते 2029 में, आगे भी योगी जी आए और योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर उसके बाद अल्लाह दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके अंदर, जो 5 जिलों के अंदर, 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर बीजेपी भारी रहेगी, कमल खिलेगा या? कमल ही खिलेगा पक्का। और जो राहुल गांधी जी के जो प्रयास चल रहे हैं जिस तरीके की, जी तो राहुल गांधी हैं, वो तो बच्चे हैं अभी, राहुल गांधी जो हैं वो चूजे हैं, उनके पास किसी तरह के माइंड ही नहीं है। हमारी देशों की बात कहाँ विदेशों में जा करते हैं, उनको यहाँ करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और विदेशों में हमारी बेइज्जती क्यों करवाते हैं? करवाना चाहिए तो यहीं करवाओ ना भाई। आप कभी सांसद में नहीं जाते हो, कभी कहीं नहीं जाते हो, आपको जब आमने सामने वार्तालाप करने के लिए बोला जाता है संसद भवन में चलो, तो जाते ही नहीं और बाहर जा कर के हमारी शिकायतें करते हैं। तो इसलिए राहुल जी के तो कभी चलेगा ही। तो आपके हिसाब से मोदी जी के सामने कौन ऐसा उम्मीदवार है जो मोदी जी के सामने मजबूती से टिक सकता है? मोदी जी के सामने अभी तक कोई नहीं हुआ, कोई नहीं। आप अखिलेश यादव को देख लो, ममता बनर्जी को देख लो, अपना क्या नाम है नीतीश को देख लो, केजरीवाल को देख लो, सारे दल बदलू हैं और सारे घुस खाने वाले हैं।
यहाँ हमारे क्या नाम है केजरीवाल ठेका खुलवा दिए, जो दारू पिलवा के सड़क सबको खत्म कर दिया तो केजरीवाल जी ने मतलब दारू पिलवा के सबको खत्म कर दिया। आपका कहने का मतलब ये एक बोतल वहाँ दो बोतल, अब खरीदने वाली तो जनता ही थी, अब आपको एक पे दो दे रहा है तो लोगे आप भी लोगे। आप क्या कहेंगे? देखो जी 80% लोगों के लीवर बोल गया तो फिर ही शराब पी के खराब शराब खड़े कैसे नहीं जागते हुए सबूत आपके सामने खड़े हो कबूल रहे हैं उन्होंने केजरीवाल ने बर्बाद किया है उन्हें देखो आपको दारू ने बर्बाद किया है तो और क्या सर केजरीवाल ने बर्बाद किया तो केजरीवाल जी ने थोड़ी कहा था आपसे कि आपको दारू जाके ठेके पे लेनी है कहा मैं कहा लॉकडाउन के अंदर कोई और काम भी तो नहीं देखा काम भी नहीं है कोरोना भी है और शराब फ्री है एक पे एक तो क्या करेगा अब केजरीवाल का मनोज सिसोदिया जेल में उसी कारण गया हुआ आप आगे देखो सत्येंद्र जैन भी गया हुआ है और एक दिन था आप कुछ दिन के बाद केजरीवाल जाएंगे केजरीवाल पक्का अंदर जाएंगे हाँ जी जाना ही पड़ेगा तो केजरीवाल सरकार ने तो बिजली भी मुहैया कराई है लोगों को पानी भी फ्री में दिया है सब कुछ दिया है तो आपकी नाराजगी क्यों है? नहीं नहीं सर एक चीज बताता हूँ पहले तो कर दिया कि 200 यूनिट फ्री है अब कितनी बिजली आ रहा है हमारी अपनी घर की बता पहले तो कर दिया फ्री अब आ रहा है डबल अब मैं क्या करूँ पब्लिक जो है ठीक है आपने फ्री किए बस भी लेडीज के लिए बिजली फ्री दी का है ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। पेट्रोल डीजल पे जो सब्सिडी दिल्ली गवर्नमेंट देती थी वो खत्म कर दी इसने आज यूपी से ऊपर रेट ले गए पहले यूपी से 7 रुपये नीचे पेट्रोल था आज यूपी से कुछ पैसे ऊपर जा रहा है पेट्रोल कहाँ सब्सिडी दी है और जो स्कूलों की और हॉस्पिटलों की जो हालत सुधारी है केजरीवाल ने एक हॉस्पिटल में जाकर फोटो खिंचा लिया उसने नया कौन सा हॉस्पिटल बनाया नया कौन सा स्कूल बनाया सब शीला दीक्षित के बने हुए चल रहे हाँ शीला दीक्षित को भी सारा कांग्रेस का ही काम किया हुआ है कांग्रेस का दिल्ली में जो भी काम है कांग्रेस का किया हुआ है या फिर पीएम हाउस से हुआ है पीएम हाउस से सही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया भाई साहब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी आएंगे दोबारा 2024 में मोदी जी आएंगे पक्का कोई और उनके सामने टिकने के लिए है नहीं यही नहीं जितने भी आएंगे फिर वही काम करेंगे जो पहले किया है सब लड़ने लगेंगे मैं बनूंगा तो मोदी जी ही आएंगे वही विकल्प है दूसरा विकल्प नहीं है। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान नहीं चलेगी नहीं चलेगी वो क्यों और उनकी भारत जोड़ो यात्रा चलने नहीं देंगे ना सब वहाँ जुटने के बाद कहेंगे मैं पीएम बनूंगा तो वो कहेंगे मैं बनूंगा तो फिर क्या करेंगे वो फिर 2.5 साल में चुनाव होगा तो उससे बढ़िया है कि मोदी को भेजो 500,000 सुरक्षित रहेगा। तो ये थी जनता की राय मोदी जी के सामने और कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जो उनके सामने एक मजबूत दावेदार बनके टिक सके। पब्लिक अपना ओपिनियन दे चुकी है सब ने बोला है कि मोदी जी ही 2024 में आएंगे और उसके बाद 2029 में वो चाहते हैं कि योगी जी आएँ। तो जैसा कि जनता का रुझान है सब यही चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ही आए और इसके नतीजे हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे। 5 राज्यों में चुनाव हैं अब आगे का डिसीजन पब्लिक ही बताएगी और उसके हिसाब से आगे का काम होगा। मैं हिमांशु शर्मा वार्ता 24 धन्यवाद। आप देख रहे हैं वार्ता 24।